हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो है एक नया गला कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 इंच ये देखिए निशान गले का लगाया है। नीचे के लिए जो है मैंने 4 इंच का निशान लगाया हुआ है। 4 इंच की मैं इसमें गोलाई डालूँगी और नीचे को जो मैं इसमें पाइपिंग लगाऊँगी और छोटे छोटे बटन जो रूइंग के बनाऊंगी। ये मैंने 4 इंच में निशान लगा कर इसमें 1 इंच की गोलाई डालकर जो है इसकी कटिंग कर देनी है। और नीचे को जो मैंने 9 इंच रखना है, 9 इंच तैयार गला बनेगा मेरा। यहाँ पर मैंने नीचे को कट लगाना है और इससे नीचे और लगाना है मैंने कट। पहले सबसे पहले यहाँ तक जो मैं सिलाई करूँगी, 9 इंच तक जो मैं खुला रखूँगी और नीचे जो मैं इसे बंद कर दूँगी। ये देखिए मैंने 5 इंच, 4 इंच के बाद जो है 5 इंच पर जो निशान लगा दिया है। और नीचे को जो मैंने यहाँ जो कट लगाना है यहाँ मैंने ये बंद कर देना है कट। सिर्फ इसमें येलो कलर की पाइपिंग लगानी है। ये देखिए मैंने रेबदार कपड़ा, ये देखिए येलो कलर का कपड़ा ले लिया है, एक थ्रेड लिया हुआ है जो इसमें अंदर डालकर जो मैं इसमें पाइपिंग निकालूंगी। ये मैंने देखिए कपड़े में दोनों लाइनिंग का कपड़ा और जो चुन्नी का कपड़ा है दोनों कपड़ों को लेना है और इसके ऊपर जो है येलो कलर का कपड़ा है देखिए डबल करना है और थ्रेड को इसके अंदर रखना है और बिल्कुल इस तरह से स्टिच करना है जो बिल्कुल पतली पतली बारीकी की जो है हमारी पाइपिंग निकले। इस तरह से इसमें अच्छे से सिलाई डालनी है यहाँ से। ये देखिए मैंने इसमें एक सिलाई लगा दी है सारे में। अब इसमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें अच्छे से सिलाई डालनी है। यहाँ से जो हमें फोल्ड करना है या नीचे कट जो दिया हुआ कट दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अब इसमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। सारे में मैंने हल्के हल्के कट लगाने हैं और फिर एक और सिलाई ऊपर से डालनी है। देखिए ऊपर से एक और सिलाई डाल दी मैंने। अब इसमें जो है 5 इंच तो खुला रखना है मैंने, लेकिन 4 इंच पर जो मैंने कपड़ा लगाना है। ये मैंने येलो कलर का कपड़ा लिया हुआ है, इससे जो मैंने डोरी निकालनी है। रेबदार कपड़ा लिया हुआ है, सिलाई डालकर इससे डोरी निकालनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो डोरी किस तरह से निकालते हैं वो बताई हुई है, आप जो है लिंक में देख सकते हैं, जिसमें जो 2 प्रकार की डोरी बताई हुई है किस तरह से निकले। ये देखिए मैंने डोरी बना दी और सुई के साथ से इसको जो है मैंने सीधा करना है। इसमें अच्छे से इसको पक्का लगा के इस तरह से सीधा करना है। ये देखिए मैंने डोरी निकाल दी है क्योंकि मैंने इसमें जो है बटन के लिए जो हल्की हल्की डोरी लगानी है। देखो कितनी बारीकी निकली है डोरी की। अब मैंने इसमें इनको ऐड करना है। ये मैंने फैबकॉट ये लिया हुई रुई ली हुई है, मैंने इससे जो है हल्के हल्के बटन बनाने हैं येलो कलर के, इनको राउंड में कर कर और इसमें सुई की सहायता से जो है। आपको इस वीडियो में जो है हम रुई से बटन कैसे बनाए वो भी मिल गया है किस तरह से बनाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको जो इससे भी अच्छी वीडियो दूँ बनाकर दूँ। ये देखिए मैंने बहुत सारे बटन बना दिए हैं रुई से और ये डोरी पाइपिंग की बनाई हुई है, बट इनको मैं इनमें ऐड करूँगी। मैंने इसमें आधा आधा इंच का निशान लगाए हुए हैं। ये जो कपड़ा लिया हुआ मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है, ये जो मैं इसमें जो मेरे पास गला एक्स्ट्रा काटा हुआ मैंने 4 इंच नीचे को, उसमें नीचे जो है इसमें सिलाई से ऐड करूँगी। इसमें निशान लगाया हुआ मैंने 5 इंच में खुला रखूँगी। ये देखिए मैंने इसमें कपड़ा ऐड कर दिया है। अब जो ये मेरे पास ये देखिए जो पाइपिंग बची हुई इसमें जो है एक साइड जो मैंने डोरी लगानी है पतली पतली और दूसरी साइड बटन लगाने हैं। ये देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है इसमें आधा आधा इंच का निशान लगा हुआ है, आधा इंच के गैप पर जो मैंने एक साइड ये बटन लगाना है और दूसरी साइड जो है डोरी लगानी है। ये आप देख सकते हैं एक साइड मैंने डोरी लगा दी है।
और दूसरी साइड जो है मैं ये देखिए बटन लगाऊंगी अच्छी तरह से, बिल्कुल इक्वल, कोई आगे पीछे ना लगे। ये देखिए मैंने लगा दिए, बड़ा ही सुंदर गला बनाया। अब इनको जो इस तरह से बिठाल करके जो है बड़े सुंदर लगेंगे, गला भी बिल्कुल बंद बन जाएगा और लुक भी देखने के लिए बड़ी ही सुंदर लग रही है। ऊपर जो मैं इसमें बैन लगाऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़।